हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बालूशाही की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इससे पहले मैंने यहाँ इसके लिए क्या क्या सामग्री लिया उससे पहले हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ आधी कटोरी दही लिया है, चाशनी बनाने के लिए 2 कटोरी चीनी, और एक बड़े बाउल में मैंने मैदा लिया है, और यहाँ मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है। तो हम एक बड़ा सा थाली लेंगे, उसमें मैं ये मैदा डाल दूंगी, और अब ये बाउल में हम यहाँ 2 बड़े चम्मच दही डाल देंगे और थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच तेल लिया है। हम यहाँ दोनों को क्वांटिटी में लेंगे। जैसे मैंने यहाँ तेल 4 बड़े चम्मच लिया है, तो दही मैंने यहाँ 3 चम्मच डालूंगी। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे दही में तेल को। आप यहाँ घी का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज किया है। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसे साइड रख देंगे और ये बाउल लेंगे। अब मैं यहाँ स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा खाने वाला सोडा। दोनों की क्वांटिटी एक जैसे रहेगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। अब यहाँ हमने जो फेटी हुई दही और तेल रखी है उसे डाल देंगे। और इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है। अब हम इसमें ये बची हुई दही इतना भी डाल देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें थोड़ा सा कमी पड़ने पर फिर हमें इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे मसल के चारों तरफ मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आप यहाँ खाली दही का भी यूज कर सकते हैं। हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है क्योंकि दही डला है हमारा। और एक सॉफ्ट सडो तैयार कर लेंगे। यह हमारा डो हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे किसी कपड़ा गीला कपड़ा में ढककर 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और इसे कहीं साइड पर रख देंगे। अब हम सीरा बनाने की तैयारी करेंगे। बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन को गर्म किया है। अब हम इसमें ये चीनी डाल देंगे, इसमें से हम आधा डालेंगे, और इसमें आधा पानी, और इसे हम मेल्ट कर देंगे। गैस का फ्लेम हमारा हाई रहेगा। हम यहाँ थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे कलर के लिए, और यहाँ हम ये कुटी हुई इलायची डाल देंगे। यहाँ हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे फ्लेवर के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे एक तार की चाशनी नहीं बनाना है। हम यहाँ अपनी चाशनी चेक कर लेंगे। तो ये हमारा चाशनी हो चुका। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ तेल को गर्म होने के लिए छोड़ रखा है। अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा डो कितना सॉफ्ट हो चुका है। हम थोड़ा सा लोई लेके चेक कर लेंगे हमारा ये गोला बन रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा बन रहा है। अब हम इसे अच्छे से मसल के बना लेंगे। अब हम एक लोई लेके उसे गोल गोल करके मेदू बड़ा जैसे बना लेंगे। हमें इसे अच्छे से बॉल बना लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं
हमें फिर बीच से ऐसे करके, तो ये आप देख सकते हैं, मैं हाँ आपको और एक बना के दिखा लूँगी। हमें इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने दूसरा भी बना लिया है। अब हम ये बाकी के बचे डो उसे भी बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे पेड़े जैसे बना लिया है। अब हम इसे फ्राई करने चलेंगे। ये हमारा मीडियम से लो में फ्राई होगा। ये मेरे तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। हमें इसे पूरा लो फ्लेम में फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पके। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा साइज में भी बड़ा हो चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे पलट लेंगे हल्के हाथों से। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा हल्का सा सुनहरा कलर हो चुका है। हमें इसे हल्का गोल्डन कलर ही करना है। तो हमें इसे और थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ये कुरकुरी लगे। ये हमारा हल्का गर्म रहेगा और चाशनी हमारा हल्का गर्म रहेगा तभी हम इसको उसमें डालेंगे। ये हमारा हल्का गोल्डन कलर हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इसे डायरेक्ट चाशनी में नहीं डालना है, पहले हम इसे प्लेट में निकालेंगे ताकि इसका बचा बिल्कुल ऑयल निकल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा चाशनी हल्का गर्म है। अब हम इसे एक एक करके डाल लेंगे। हमें इसे एक एक करके डाल लेना है। हमें इसे चाशनी में 10 मिनट रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है ताकि हमारा ये चाशनी अंदर तक चले जाए बालूशाही के अंदर। और ये ज़्यादा हम अगर इसमें रख देंगे तो ये हमारा कुरकुरी और क्रिस्पी नहीं बनेगा। हमें इसे सिर्फ 10 मिनट रखना है। हमें इसे ऐसे ही लगातार चलाते रहना है, करते रहना है ताकि हमारा अच्छे से दोनों तरफ चले। तो अब हम ये चाशनी से निकाल लेंगे बालूशाही को, नहीं तो ये हमारा फूल कर सॉफ्ट हो जाएगा। हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हम इसमें ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा देंगे। आप यहाँ अपना पसंद का कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो चुका बालूशाही की रेसिपी।